भारत विकास परिषद भिलाई इकाई द्वारा भिलाई में अपराजिता नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भारत विकास परिषद की महिला शाखाएं शामिल हुई और विकसित भारत बनाने में महिलाओं की सहभागिता पर सघन चर्चा और विचार विमर्श यहां पर किया गया। भारत विकास परिषद भिलाई इकाई के द्वारा आयोजित अपराजिता कार्यक्रम में भिलाई विकास परिषद महिला विंग की सभी सदस्याएं पूरे देश से एकत्रित हुई। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित किया गया, तत्पश्चात उपस्थित अतिथियों एवं मुख्य अतिथि का स्वागत विधि अनुसार किया गया। उसके बाद विकसित भारत में महिलाओं की भूमिका और उनके सहभागिता विषय पर गहन चर्चा हुई और कार्यक्रम में उपस्थित एक एक वक्ताओं ने महिलाओं की महती भूमिका पर प्रकाश डालते हुए महिलाओं से आह्वान किया कि वे अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और भारत को विकासशील बनाने की दिशा में अपना योगदान दें। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने बड़े ही ध्यानपूर्वक सभी वक्ताओं की बातों को सुना और यह जाना कि विकसित भारत में वह अपनी सहभागिता किस प्रकार से दे सकती हैं। विभिन्न प्रदेशों से भारत विकास परिषद के महिला वाहिनियों की सदस्यों ने अपने उद्गार भी व्यक्त किया और विकासशील भारत बनाने में अपना योगदान देने के लिए संकल्पित हुईं। साथ ही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर हेमचंद विश्वविद्यालय की कुलपति ने भी कार्यक्रम की दिल से सराहना की और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से सशक्त महिलाओं की सहभागिता से विकसित भारत के निर्माण के सपने को सच होता बताया। दुर्ग में ईपीएस के प्रांगण में भारत विकास परिषद के द्वारा महिलाओं का एक प्रांत स्तरीय सम्मेलन किया जा रहा है और मुझे परिचित करवाया गया कि यहाँ पर किस तरह के कार्य भारत विकास परिषद करता है। सेवा के कार्य, संस्कार के कार्य, महिलाओं और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अनेकों योजनाएं इनके द्वारा संचालित है और कोई कारण नहीं है कि इस तरह के संस्थान अगर हमारे प्रदेश में, हमारे देश में बनते चले जाएंगे तो भारत जो है वो निसंदेह 1947 के पहले ही विकसित भारत बन जाएगा। और महिलाओं की भूमिका जो है आजकल हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ महिलाएं छूट रही हैं। आजकल वो सारे क्षेत्र जहाँ पहले पुरुषों का ही एकाधिकार था, वहाँ अब हमें महिलाएं काफ़ी अधिक संख्या में दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह के सम्मेलन जो है महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। मैं इस कार्यक्रम के लिए अपनी पूरी पूरी शुभकामनाएं देती हूँ। उन्होंने तो बताया है कि भिलाई नारायणी शाखा जो है वो आज ये सम्मेलन करा रही है। मैं उनको बहुत सी शुभकामनाएँ और बधाई देती हूँ। महिला सहभागिता यानी ऐसा कार्यक्रम या ऐसी योजनाएँ जो महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा और महिलाओं पर केंद्रित है। तो जागरण तो हो चुका है लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ दूरी तय करना भी बाकी है और सहयोग तो मिल रहा है और आत्मविश्वास भी महिलाओं में बढ़ रहा है। तो ऐसे कार्यक्रमों की उपयोगिता और भी बढ़ जाती है जब सभी आके एक दूसरे से परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं और नया कुछ सीख के जाते हैं ताकि अपनी अपनी शाखाओं में उन अनुभवों का हस्तांतरण कर सकें और एक समाज को नई दिशा दे सकें। सादर वंदे मातरम। मैं डॉक्टर संदीपा मल्होत्रा हूँ, नेशनल प्रोजेक्ट मेंबर हूँ, एक राष्ट्रीय टोली की सदस्य हूँ जो महिला सहभागिता देखती है। पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो भारत विकास परिषद है, हमारे प्रेरणा स्वरूप विवेकानंद जी के विचारों को आत्मसात किया है। उन्होंने कहा है अगर महिला सशक्त होगी तो परिवार व समाज सशक्त होगा और सशक्त समाज ही एक सशक्त देश का निर्माण करता है। उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसी हजार जगदम्बाएं दो वो जो अपने साथ साथ समाज की भी दशा व दिशा बदल देगी, पर अनफॉर्चुनेटली हम जानते हैं कि कम उम्र में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था। तो भारत विकास परिषद का भी पूरा उद्देश्य यही है कि महिला सहभागिता, हम लोग लिबरलाइजेशन की बात नहीं करते, नारी शक्ति पहले से ही एम्पावर्ड है और अभी भी एम्पावर्ड करते हैं। तो ये कार्यकर्ता निर्माण की कार्यशाला है। हमारे देश की संस्कृति को बाहर के लोगों, विदेशों ने भी पहचाना है, तभी देखे चॉकलेट ने भी, कैडबरी ने भी एक नारा रखा, वी विल पीपल बिफोर मेकिंग चॉकलेट्स। हम कार्यकर्ता का निर्माण चॉकलेट से पहले करते हैं और देखिए यहाँ पर तो कार्यकर्ता निर्माण का चल रहा है। अब क्या बदलते परिप्रेक्ष्य में समस्या भी बदलती आ जा रही है। तो केंद्रीय टोली ने ये कहा है कि पर्यावरण पर ध्यान दें, अनीमिया मुक्त भारत रहे, पहले सदस्य अनीमिया मुक्त होंगी तभी बाहर के लिए करेंगे। तो स्वस्थ, स्वच्छ, समृद्ध भारत और संस्कारित भारत का कार्य करते हैं। तो इस समय बहुत सारे प्रोग्राम के साथ साथ अनीमिया मुक्त, आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट, पर्यावरण पर प्रायोरिटी है। कार्यशाला का उद्देश्य यही है कि महिलाओं को जागरूक करना है सब चीज़ में और
मेनली तो वही है जागरूक। जी, सभी को सादर वंदे मातरम। मैं भारती कौरव भारत विकास परिषद में पिछले कई सालों से जुड़ी हूँ। पहले मेरा दायित्व शाखा स्तर पर था, फिर उसके बाद प्रांत पर, और अभी मैं वर्तमान में रीजनल दायित्व पर हूँ महिला सहभागिता की। तो मैं ये समझती हूँ कि इन कार्यशालाओं का बहुत महत्व है। हम सभी जानते हैं कि समाज भी परिवर्तित है और प्रकृति भी परिवर्तित है। तो जैसे कि बदलते परिवेश में हमने देखा आजकल परिवारों की व्यवस्थाओं में बहुत परिवर्तन आया है, तो इस हेतु भी हमें महिलाओं को जागरूक करना है कि हमारे बच्चे जो पश्चिमी सभ्यता की ओर भाग रहे हैं, उनसे हमें कैसे बच्चों को फिर से अपनी सभ्यता की ओर वापस लाना है। तो इन कार्यशालाओं के अंतर्गत हम इन्हीं योजनाओं और इन्हीं कार्यक्रमों को लेकर उपस्थित होते हैं, और इसमें जो चर्चात्मक हमारा सत्र होता है उसी के दौरान इन्हीं सभी समस्याओं का हम उसमें समाधान रखते हैं, जिसको हम परिषद परिवार के माध्यम से आगे इन कार्यक्रमों को पूरे वर्ष भर करते हैं, जिसमें हम बाल संस्कार शिविर, इसके अंतर्गत और भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें हम बच्चों को जागरूक करते हैं। बाल संस्कार शिविर के माध्यम से हम ना कि बच्चों में संस्कार का जागरण कर रहे हैं, बल्कि नई जो आने वाली युवा पीढ़ी है उसको हम तैयार कर रहे हैं अपनी संस्कृति से और सभ्यता से जोड़ने। भारत विकास परिषद भिलाई इकाई के कर्मठ सदस्य श्रीमान डागा साहब ने कार्यक्रम की रूपरेखा एवं उद्देश्य को एशियन न्यूज टीम से साझा किया। ये जो कार्यशाला आज हो रही है, जो हमारे हम जो कार्य करते हैं, जिनके माध्यमों से हम भारत को पुनः विश्व गुरु के आसन पर आसीन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह कार्यशाला उसी निहित आयोजित है जिसमें प्रांत की जितनी भी इकाइयां हैं भारत विकास परिषद की, हर इकाई से पांच पांच बहनें, पांच पांच नारियां इसमें अपेक्षित हैं, और वे सभी आई हैं। और यह महिलाओं की ही कार्यशाला है जिसका उद्देश्य हमारे सभी विकास कार्यों में महिला सहभागिता को बढ़ाना और बाल विकास के कार्य को भी आगे करना। जैसा हम जानते हैं कि महिलाओं का मौलिक चिंतन घर परिवार के लिए होता ही है, और निश्चित रूप से पुरुष से इस क्षेत्र में उनकी जो संवेदनाएं होती हैं वह कई गुना अधिक होती हैं। तो जब हर घर का विकास होगा, हर घर में नारी पुरुष बच्चे पढ़ेंगे, राष्ट्र भाव का जागरण होगा, तो निश्चित ही पूरे देश में एक ऐसा वातावरण बनेगा कि राष्ट्र सर्वोपरि का भाव हम सब में जागृत होगा। और देश सर्वोपरि जब हो जाएगा तो हम अपने छोटे छोटे अंतर भेदभावों को दरकिनार करते हुए राष्ट्र साधना में विलीन हो जाएंगे। इसी भाव को जागृत करने के लिए यह कार्यशाला आज निहित है, और महिलाओं के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं। देश के विकास में महिलाओं की सहभागिता बढ़ती जा रही है। राष्ट्र आराधना के लिए कुछ गुण अगर उसमें समावेश हो जाए तो निश्चित ही जो हमें गति और दिशा देश को देना चाह रहे हैं वह संभव होगा। यही हमारे इस कार्यशाला का अभिप्राय है। आज यहाँ पर एक महिला सहभागिता हमारे संगठन में सामाजिक और सांस्कृतिक और सेवा के कार्य होते हैं। हमारा जो उद्घोष है स्वस्थ भारत, सामर्थ भारत और संस्कारित भारत, इस पे हम काम करते हैं। हमारे पांच सूत्र हैं, उन सूत्रों पे काम करते हैं। कार्यशाला हमारी है कि समाज के उस वर्ग से जो प्रबुद्ध एवं संपन्न है उनसे हम लेकर, और जो वंचित रह गए हैं समाज की मुख्य धारा में आने से, उनकी सेवा करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और जैसा मैंने कहा कि स्वस्थ सामर्थ और संस्कारित भारत हो, तो आने वाला भारत संस्कारित हो, इसलिए हम बच्चों के लिए भी कार्यक्रम करते हैं। उसके लिए हमारे दो बहुत ही अच्छे प्रोग्राम हैं, एक राष्ट्रीय गीत समूह गान, समूह में बच्चों को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बोलते हैं वो है, और भारत को जानो। क्या आज दुनिया को जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन भारत विकास परिषद जो है वो केवल भारत को जानो के लिए कार्यक्रम करता है बच्चों में, कि बच्चे अपने देश प्रेम भारत को तो जानें, जिससे उनसे
देश प्रेम ओतप्रोत हो उन बच्चों में और वो देश प्रेम की भावना आए, इसी थीम पे हम लोग काम करते हैं भारत विकास परिषद। तो उसी कड़ी में बोला गया है कि माँ पहली गुरु होती है बच्चे की। तो बच्चे जब माँ संस्कारित होगी सब होंगे। अभी क्या देखा जा रहा है कि जो नई जनरेशन आ रही है, जो माएँ आ रही हैं, वो पाश्चात्य की तरफ जा रही हैं। तो हमारा ये दायित्व है कि वो जो मातृशक्ति है, वो मातृशक्ति को अपने पहचाने, उसी के लिए आज एक कार्यशाला रखे हैं और वो कैसी कैसी कार्य कर बच्चों में संस्कार और एक अच्छा भारत का भविष्य उज्जवल हो, इसी उद्देश्य से हम लोगों ने मातृशक्तियों के लिए एक महिला सहभागिता कार्यशाला की है। भारत विकास परिषद पूरे देश भर में बड़े बड़े जनहित के मुद्दों पर कार्य कर रही है और अब महिला विंग के जुड़ जाने से इन कार्यों में तीव्र गति देखी जा रही है। महिलाएं बढ़ चढ़कर इन कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता निभा रही हैं और भारत को विकासशील बनाने की दिशा में अपनी महती भूमिका भी निभा रही हैं। ACN न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।